चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और ये मैं प्रीपोजिशंस और अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंस फिलर्स के साथ पांचवें राउंड में आपके सामने प्रस्तुत हूँ मैं, ठीक है। और हम फिर से उसी तरह से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 10 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 20-20 सेकेंड्स आपके लिए अलॉट होंगे। जब आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें कि लिख लें कि कौन से आंसर्स, कौन से ऑप्शंस आपके सही हैं, तो फिर सारे के आंसर्स आपको लास्ट में दे गए हैं उनसे मिला लें और उसके हिसाब से अपनी रैंकिंग तय कर लें। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी पोजीशन क्या बन रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर लास्ट में मैंने अब के बार सारी एक्सप्लेनेशंस विद क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। जो सारे क्वेश्चंस यहाँ दे रहेंगे वही क्वेश्चंस वहाँ दे करके मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है प्रीपोजिशन का, जो कमियाँ रहेंगी वो सारी आपकी दूर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, ठीक। शुरू करते हैं फिर इसके आगे। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लोज टेस्ट वगैरह में, कॉमन एरर्स में, सेंटेंस फिलर्स में कई जगह आपके काम आएंगे। तो अब आप तैयार हो जाएं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरा कंसंट्रेशन दें। 20 सेकंड हर एक क्वेश्चन पे आपको मिलेगा, ठीक है। तैयार है, मेंटली प्रिपेयर्ड होइए और मेहनत करेंगे, हर हाल में आपके काम आएंगे। चलिए फिर ये 10 क्वेश्चंस का राउंड आपका समाप्त हुआ और अब ये सारे आंसर्स आपको दिए गए हैं। इन आंसर्स को आप मिला लें, जो भी आंसर्स आपने नोट किए हों,
अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 किए हैं मीन्स आप बेस्ट कहलाएंगे, अगर आपने 7 आउट ऑफ 10 पे हैं तो आप बेटर कहलाएंगे, और अगर आप 5 आउट ऑफ 10 पे हैं तो आप हर हाल में गुड कहलाएंगे। और अगर आप इससे नीचे हैं तो हताश ना हो, मेहनत करें। प्रीपोजिशंस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन के, उन पे और मेहनत करने की कोशिश। चलिए फिर सारे आपको एक एक करके सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन तैयार करने हैं तो मेरे द्वारा गए एक्सप्लेनेशन को अच्छे तरीके से आप सुने समझें, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो निश्चित ही मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि कहाँ पे क्या चीज़ है जो और बेहतर की जा सकती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन आई गिव डैस व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट। मैं क्यों झुक जाऊं, क्यों हार मान लूं जब मेरी कोई गलती नहीं है। आप जानते हैं गिव के साथ अगर आप आन लगाते हैं तो गिव आन कुछ होता नहीं है, गिव इन लगाते हैं तो गिव इन मीन्स होता है, गिव इन मीन्स हार मान लेना, झुक जाना। गिव अप लगाते हैं तो गिव अप मीन्स होता है जब आप कोई कार्य शुरू कर चुके हों, बीच में हार मान लें आप, छोड़ दें उसे, और गिव अप ऑन ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें दो में से एक चूज करना है, या तो हमें गिव इन चूज करना है या गिव अप। हमने कोई कार्य तो शुरू किया नहीं है जहां पे हमें गिव अप का प्रयोग करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, आप समझ सकते हैं, हमें गिव इन का प्रयोग करना होगा। गिव इन मीन्स होता है हार मान लेना, तो हाउ कैन आई गिव इन व्हेन आई एम नॉट एट फॉल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपेंसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। गवर्नमेंट सहमत हो गई, सरकार सहमत हो गई टू पे कंपेंसेशन मीन्स क्षतिपूर्ति देने के लिए, मुआवजा देने के लिए, किस चीज के लिए, उन डैमेज क्रॉप्स के लिए, लैंड के लिए, कैटल के लिए। तो आपको अगर याद हो कंपेंसेशन के साथ हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, कंपेंसेशन के साथ हम थ्रू का भी प्रयोग नहीं करते हैं, हाँ कंपेंसेशन के साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। कंपेंसेशन फार मीन्स होता है क्षतिपूर्ति देना मीन्स मुआवजा देना, अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसका मुआवजा देना। तो हमें उन सरकार को डैमेज क्रॉप्स के लिए, लैंड के लिए और कैटल के लिए मुआवजा देना है, तो कंपेंसेशन के साथ क्या लग जाएगा, फार लग जाएगा। तो द गवर्नमेंट एग्रीड टू पे कंपेंसेशन फॉर डैमेज्ड क्रॉप्स लैंड एंड कैटल हो जाएगा, यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका वो फार हो जाएगा, फॉर कंपेंसेशन फार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक गोज डैश एंड ऑन ऑल द टाइम। जो क्लॉक का, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो गोज डैश एंड ऑन। अब बैक एंड ऑन अगर हम करते हैं, सोच के देखें, अगर हम बैक के साथ एंड ऑन करते हैं तो क्या कुछ बनेगा, अगर हम ऑन एंड ऑन करते हैं तो हम जानते हैं ऑन एंड ऑन मीन्स होता है निरंतर, लगातार, तो आप आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इनकी या अप की कोई जरूरत नहीं, आपको है आपका हो जाएगा। द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक गोज ऑन एंड ऑन ऑल द टाइम, यानी आपका जो आंसर होगा वो ऑन हो जाएगा, गोज ऑन एंड ऑन ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई केम डैश अ वेस एग्जैक्टली लाइक योर्स इन दैट ओल्ड जंक शॉप। यहां ये बताने की कोशिश की गई, आई केम डैश अ वेस यानी गुलदान से, एग्जैक्टली लाइक, मैं जो भी मिला होगा या जो भी देखा होगा मैंने, एग्जैक्टली लाइक योर, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम्हारा था, इन दैट ओल्ड जंक शॉप, यानी उस कूड़े की जो कूड़े कबाड़ की जो दुकान थी, शॉप थी, वहां मैंने बिल्कुल वैसा ही वेस्ट देखा जैसा तुम्हारे पास था। ठीक है, अब आई केम टू अ वेस्ट तो यहां पे कोई मतलब नहीं है सर, वो उसके पास तो आया नहीं था। आई केम इन टू, कम इन टू का कोई मतलब नहीं, टकराने वगैरह से मतलब तो है नहीं आपका। कम ओवर, यहां किसी स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने से मतलब है नहीं आपका। कम एक्रॉस हो जाएगा, कम एक्रॉस मीन्स किसी चीज से अचानक मिलना, किसी चीज से अचानक सामना होना होता है, तो जहां पे आई केम डैश है वहां आई केम एक्रॉस हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ जो रिक्त स्थान आपका है, आई केम एक्रॉस अ वेस, यानी एक वेस से मेरा सामना हुआ, यानी मैंने अचानक देखा, एग्जैक्टली लाइक योर्स, जैसा तुम्हारा बिल्कुल वैसा ही यो वेस था वो, इन दैट ओल्ड जंक शॉप, उस कूड़े कबाड़ की दुकान में। तो यहाँ सब छोड़ करके आप कम एक्रॉस जानते हैं, कम एक्रॉस होता है
चांस अपान होता है, जिनके मीन्स होता है किसी चीज से अचानक टकरा जाना, सामना होना, तो आई केम अक्रॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यदि आप इस शब्द की मीनिंग नहीं जानते हो, लुक डैश अ डिक्शनरी। यहां कोई चीज नहीं दिया, अगर सीधे डिक्शनरी दिया है तो फिर आपको एक तुरंत दिमाग में बना लेना चाहिए कि हमको लुक अप का प्रयोग करना है। तो आप जानते हैं लुक अप मीन्स खोजना होता है, तलाश करना होता है, तो हो जाएगा इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लुक अप अ डिक्शनरी। तो आप इस शब्द को डिक्शनरी में देख लो। लुक इनटू नहीं होता है, लुक इनटू मीन्स होता है तहकीकात करना। लुक एट नहीं होता है, लुक एट मीन्स किसी की तरफ देखना होता है, और लुक थ्रू ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी यहां पे हो जाएगा इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड लुक अप हो जाएगा, यानी लुक के साथ यहां अप हो जाएगा, लुक अप अ डिक्शनरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर यहां लुक फार होता तो वो भी बेहतर होता, वो भी सही होता, लेकिन इसलिए यहां लुक फार नहीं दिया गया है, तो लुक अप यूज कर ले आप। एक और चीज, यहां पे सीधे अ डिक्शनरी दिया गया है, तो आप एक क्लू बना लें, अगर लुक के साथ सीधे डिक्शनरी दिया गया है तो आप लुक अप का प्रयोग कर लें, और अगर यहां पे अ वर्ड दिया गया होता तो फिर लुक फार हो जाता आपका, ठीक है। तो यहां पे चूंकि फार दिया भी नहीं है और यहां सीधे डिक्शनरी दे दिया गया है, तो इस सीधे डिक्शनरी की वजह से यहां जो होगा आपका वो हो जाएगा अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजिशन। पोजिशन मीन्स होता है अधिकार, मालिकाना हक। ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजिशन डैश हिज लैंड आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट केस। बहुत लंबा कानूनी कार्यवाही चली और वहां पे फिर वो उस पर उसको मालिकाना हक दिया गया, तो बहुत लंबे केस के बाद उसे मालिकाना हक दिया गया उस चीज पर, यानी उस लैंड पर, उस संपत्ति पर, उस जमीन पर। पोजिशन के साथ हमें क्या क्या लेना है, पोजिशन के साथ हम ऑफ ले सकते हैं, यानी पोजिशन ऑफ हो सकता है, पोजिशन टू हो सकता है, पोजिशन अगेंस्ट हो सकता है, पोजिशन विद हो सकता है। शायद आप जानते हो किसी चीज का स्वामित्व आपको दिया जाता है, तो फिर गेट पोजिशन ऑफ हिज लैंड होगा, यानी यहां पे अगेंस्ट टू या विद की कोई आवश्यकता नहीं है, तो फिर यहां पे पोजिशन ऑफ हिज लैंड हो जाएगा, यानी यहां पे आपको ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो ही सक्सीडेड इन गेटिंग पोजिशन ऑफ हिज लैंड आफ्टर अ लॉन्ग कोर्ट केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ फादर कैन नॉट बी एब्सॉल्वड डैश हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैटर रहेगा आपका। एक्चुअली इसका जो आंसर है वो है एब्सॉल्व ऑफ, लेकिन ध्यान रखिएगा एब्सॉल्व फ्रॉम भी होता है। अगर आपको किसी क्राइम वगैरह से या किसी ब्लेम वगैरह से मुक्त किया जाता है तो एब्सॉल्व फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी ऑब्लिगेशन से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त किया जाता है तो एब्सॉल्व ऑफ का प्रयोग करते हैं। वैसे भी यहां फ्रॉम है भी नहीं तो आपको यहां ऑफ का प्रयोग करना होगा, एब्सॉल्व विद या एब्सॉल्व फॉर या एब्सॉल्व ऑफ का, ओ डबल एफ का प्रयोग नहीं करते हैं। एब्सॉल्व ऑफ और एब्सॉल्व फ्रॉम होता है, तो यहां चूंकि फ्रॉम है ही नहीं आपके पास तो ऑफ यूज कर लीजिए। अगर यहां फ्रॉम होता तो ये मन में आ सकता है आपके, ठीक है। अगर यहां फ्रॉम होता तो आप देखिए यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, तो ज्यादातर जो सुझाव है इस बारे में वो ये है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशन का प्रश्न है तो वहां पर एब्सॉल्व ऑफ का प्रयोग कर लें, ना कि एब्सॉल्व फ्रॉम का प्रयोग कर लें। यानी हो जाएगा अ फादर कैन नॉट बी एब्सॉल्वड ऑफ हो जाएगा, यानी यहां जो रिक्त स्थान आपका है वहां ऑफ हो जाएगा, ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स हिज चिल्ड्रन। तो याद कर लें एब्सॉल्व ऑफ या एब्सॉल्व फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और जो बहुत बार एग्जाम्स में दिया गया, प्रिया इज नॉट कट डैश फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब। अगर आप सेंस निकालेंगे तो आप निकल जाएगा, प्रिया इस प्रकार की नौकरी, इस प्रकार की जॉब के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपको याद होगा कट आउट फॉर होता है, कट आउट फॉर मीन्स होता है योग्य होना, उपयुक्त होना, तो बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं आपको है, मीन्स प्रिया इज नॉट कट आउट फॉर दिस काइंड ऑफ अ जॉब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट डैश फॉर अबाउट 10 आवर्स टूडे।
आपके मन में दो कन्फ्यूजन्स रहेंगे। देखिए कटआउट तो होगा नहीं, कटआउट फार अभी आपने पीछे पड़ा, कटआउट फार मीन्स योग्य होना होता है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का 10 घंटों से योग्य होने कोई रिलेशन नहीं है। कटअप तो होगा नहीं, चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत अधिक त्रस्त हो जाना किसी चीज़ से, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है। हमें दो में से एक चूज करना है, या तो वो कट डाउन का प्रयोग होगा या फिर कट ऑफ का प्रयोग होगा। तो अगर थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कट डाउन क्या होता है, जैसे आप कोई खर्चे वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं और उसमें आपको कटौती करनी है तो वो कट डाउन होता है। कट ऑफ क्या होता है, किसी कनेक्शन को काट कर अलग कर देना। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो 10 घंटे तक वो इलेक्ट्रिसिटी क्या रही, कटी रही, अलग रही, मीन्स पावर जो है सप्लाई नहीं बनी। इसका मतलब यहाँ पे कट डाउन ना होकर के कट ऑफ बेहतर होगा। तो आवर इलेक्ट्रिसिटी वास कट, अब यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। एक मिनट बस, तो यहां हो जाएगा कट ऑफ हो जाएगा, डबल ऑफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आवर इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ फॉर अबाउट 10 आवर्स टुडे हो जाएगा। तो कट ऑफ मीन्स कुछ समय के लिए कट ऑफ, अलग कर देना, काट करके अलग कर देना। और कट डाउन मीन्स क्या होता है, कट डाउन मीन्स कटौती करना, खर्चे वगैरह में कमी ले आना। We stepped dash the house from the garden. आप समझते होंगे जब आप कहीं स्टेप करते हैं तो आप स्टेप इंटू करते हैं, स्टेप इंटू मीन्स होता है कदम रखना। तो we stepped dash the house, यानी हमने घर में कदम रखा, from the garden, बगीचे से। तो step into होता है, याद कर लें, step into means होता है कदम रखना, प्रवेश करना। तो यहाँ पे जहाँ पे dash है आपका खाली स्थान है, वहाँ जगह we stepped into the house from the garden, ठीक है। हम फिर से सारे questions देख लेते हैं जो 10 questions हमारे पास हैं। पहला question था how can I give in, तो याद कर लें give in means होता है हार मान लेना और झुक जाना। give up means ध्यान कर लें, give up means किसी आदत को बीच में छोड़ देना या कोई कार्य कर रहे हो उसे quit कर देना। दूसरा question था The government agreed to pay compensation for damaged crops, land and cattle. Actually, आपको याद होगा, याद कर लें कि compensation के साथ हमें for का प्रयोग करना होता है। Next question आपका है The pendulum of a clock goes on all the time. Go on means निरंतर चलते रहना, तो on हो जाएगा वहां। I came across a vase, यानी मैंने एक अचानक एक vase देखा, exactly like yours, जैसा तुम्हारा था, in that old junk shop. जो मैंने उस जंक की दुकान में देखा था। तो यहाँ कम एक्रॉस हो जाएगा, कम एक्रॉस में जानते हैं आप अचानक किसी चीज से मिलना है, किसी व्यक्ति से टकरा जाना। नेक्स्ट है इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, यदि आप इस शब्द की मीनिंग नहीं जानते हो तो लुक अप अ डिक्शनरी, याद कर लें लुक अप अ डिक्शनरी होता है और लुक फॉर अ वर्ड होता है। तो ऐसे क्लू हो जाएगा छोटा सा, आपको याद रहेगा लुक फॉर अ वर्ड और लुक अप अ डिक्शनरी हो जाएगा। He succeeded in getting possession of his land हो जाएगा। Get possession of होता है, get possession of something, किसी चीज पर मालिकाना हक प्राप्त करना। तो यहां हो जाएगा He succeeded in getting possession of his land after a long court case. Next है A father cannot be absolved, यहां from तो है नहीं आपका, तो A father cannot be absolved of his responsibilities towards his children, यानी बच्चों के पर जो responsibilities हैं, जिम्मेदारियां हैं, उसे एक पिता जो है मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ कोई ब्लेम, कोई आरोप तो है नहीं, कोई क्राइम तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए एब्जॉल्व ऑफ का प्रयोग कर लें। PI is not cut out for this kind of job, याद कर लें बहुत काम आएगा, cut out for means योग्य होना होता है। Our electricity was cut off OWF for about 10 hours today, यानी करीब 10 घंटे तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो रही वो कटी रही। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के कटने के सेंस में कट ऑफ कर लें, और अगर आपको अपना वजन कम करना है, पैसों का खर्च वगैरह कम करना है तो कट डाउन का प्रयोग कर लें आप। और लास्ट है वे स्टेप्ड इनटू द हाउस फ्रॉम द गार्डन, तो स्टेप इनटू मीन्स कदम रखना, प्रवेश करना होता है। ये सुपर 60 एजुकेशन हब की जो प्रेजेंटेशन हैं आपको, जो अब तक दी गई आपको, ये आपको अभी कल से शुरू किया गया कॉमन एरर्स पर एक सेगमेंट, जहां पे 10 क्वेश्चंस क्विज के रूप में आपको दिए जाएंगे। टेंस मैंने दिया है आपको, जो बहुत बेहतर रिस्पांस रहा बच्चों का। अगर आप चंद मिनटों में मीन्स कुछ एक
थोड़े बहुत मिनट्स में आप समझना चाहते हैं टेंस को, तो उसकी पहचान जान लें। टेंस मैंने दो पार्ट्स में दिया है, पार्ट वन और पार्ट टू में। ये बहुत बेहतर होगा, अगर आप अपने बेसिक्स में वीक हैं तो ये आपके काम आएगा। क्लोज टेस्ट से संबंधित मैंने पैसेज दिया हुआ था कि किस तरीके से क्या चीज़ें हैं जो दूर करके आप अपने क्लोज टेस्ट को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ 5 टिप्स के द्वारा मैंने दिया है कि अगर 5 टिप्स आप इस्तेमाल करते हैं क्लोज टेस्ट आपके लिए आसान हो जाएगा। और MBA से संबंधित ये मेरा नवा सेट आ चुका है, इसके पहले 8 सेट दिए जा चुके हैं, तो इन सब पे मेहनत करें। और भी बहुत सारी वहाँ चीज़ें मैंने दी हैं, अगर आप इन्वर्जन पढ़ना चाहते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे जाएं वहाँ पे और बाकी चीज़ों को आप धीरे धीरे प्रिपरेशन करें आप, ठीक है। और फिर लास्टली आप समझते होंगे, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप अपना रिस्पांस देते रहें, अगर कहीं कोई कमी दिखाई दे तो आप हमें बताएं कि क्या और बेहतर बनाया जा सकता है। कमेंट्स ज़रूर करें और बताते रहें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनमें शामिल की जा सकती हैं, तो इससे हम लोग सोचते रहेंगे, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आपका सहयोग ही हमारी पूंजी है और हम चाहेंगे अपना सहयोग बनाए रखें। आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, शेयर करते रहें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।